दिवाली के दिन चला गया गरीबों का मसीहा। बीजेपी नेता के निधन से देश में छाई शोक की लहर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार को निधन हो गया। भाजपा के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के फरीदाबाद स्थित एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह 59 साल के थे। राणा के भाई जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है। वही व्यवसायी से राजनीतिक बने देवेंद्र सिंह राणा पिछले महीने हुए चुनाव में नगरोटा से विधायक चुने गए थे। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता साजिद यूसुफ ने कहा कि राणा जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके आकस्मिक निधन से भाजपा और उनके समर्थक सदमे में हैं। भाजपा सदस्यों और नेताओं ने क्षेत्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को याद करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और लिखा कि देवेंद्र सिंह राणा के असामायिक निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। उनके निधन से हमने एक देशभक्त और व्यापक रूप से सम्मानित नेता खो दिया जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध थे। मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उनके भाई और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह घर पहुँचे हैं। वहीं देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है। आपको बता दें भाजपा खेमे में शोक की लहर है।